हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज से हम करने वाले हैं अपनी शॉपिंग को स्टार्ट। तो अभी हम जाएंगे मार्केट, क्योंकि आज हम लेंगे भाभी की ड्रेस, तो हम लोग सभी साथ में जाएंगे। सो कैसी रहेगी हमारी शॉपिंग, अब आपको इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। इसी ब्लॉग में सारी शॉपिंग होगी, सो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग से। 6 से 7 शॉप घूमने के बाद में हम यहाँ पर आए थे, और जो शॉप हम गए थे वहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, क्योंकि पहले हमें परमिशन लेनी पड़ती है। यूट्यूब पर व्लॉग जाता है, वो सभी लोग इस चीज़ को एग्री नहीं करते हैं। तो परमिशन ली, उन्होंने बोला कि ना ही आप पिक ले सकते हैं, ना ही आप वीडियो बना सकते हैं, सिर्फ आप वीडियो कॉल पर बात कर सकते हैं। यहाँ पर भी भाभी ने रिक्वेस्ट की कि इन्हें वीडियो बनाने दीजिए, क्योंकि यहाँ की ड्रेसेस हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, तो हमें पता था हम यहाँ से फाइनल कर लेंगे। तो भाभी ने जैसे इंट्रोडक्शन दिया मेरा, शी इज़ अ वेरी फेमस पर्सनैलिटी, सुन के इतना अच्छा लगा, तो उन्होंने एग्री कर दिया कि आप वीडियोस बना सकते हैं। ताशी, किसकी फोटो ले रहे हो? आज की फोटो ले रही हूं। अभी किसकी ले रहे थे? अरे आज दोनों दोनों, चलो ना। अभी फोटो ले लो। ताशी कैसे? वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे बोलते ताशी? ताशी कैसे बोलते? जल्दी, अब भाव खाएगी। तीनू मामा हियर। भाभी का कलर इतना फेयर है ना, वो ताशी के जितनी गोरी हैं, तो उन पर सारे कलर्स अच्छे लग रहे थे, सब कुछ अच्छा लग रहा था, जो भी वो वेयर कर रही थी सब कुछ खूबसूरत लग रहा था। ये ड्रेस हमें काफ़ी पसंद आई थी, लेकिन फिर हमें गाउन ही लेना था, बस इसलिए हमने इस ड्रेस को नहीं लिया। बाकी पर्पल कलर हमें बहुत बहुत पसंद आया था, भाभी को भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने ये सोचा कि भाई के ऊपर फिर ये कलर पता नहीं अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, ये सोच के फिर हमने इस ड्रेस को नहीं लिया, नहीं तो हमारी सेकेंड प्रायोरिटी यही थी। फिर आई इस ड्रेस की बारी, ये हमें काफ़ी पसंद आई, बहुत ही फाइन कलर था, इंग्लिश कलर जो कहते हैं, देखकर अच्छा लगा। पर हमें थोड़ी सी ना शाइनिंग ज़्यादा चाहिए थी, ये बहुत डल सा लग रहा था, तो कलर तो हमें पसंद आया। फिर हमने कहा कि इस टाइप का कुछ और भी हो तो आप दिखा दीजिए, तो उसके बाद जो उन्होंने हमें ड्रेस दिखाई उसको देखते से हमने ओके कर दिया। फिर आई ये ड्रेस, गोल्डन कलर की ड्रेस जिसमें सीक्वेंस भी है, नेट भी है, और लुक एकदम प्रिंसेस वाला लुक आ रहा है इसमें, तो ये तो हमने देखकर ही बोला कि यही चाहिए, क्योंकि इस कलर की जो ड्रेस है, मतलब जो आउटफिट रहेगा वो भाई के ऊपर भी अच्छा लगेगा। ताशी की बॉन्डिंग जो है अपनी मामी के साथ में बहुत अच्छी है, भाभी के साथ भी, और भाभी की जो छोटी सिस्टर है अंशुर उसके साथ भी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रीट करते हैं, और ये है ना एकदम मस्ती करते हैं साथ में बच्चे, ये भी बच्ची बन जाती है, बच्चों की तरह ही रहते हैं ताशी, अंशुल और मेरा भाई जो अंकल आनंद भाई हैं, सब बच्चे ही हैं। शॉपिंग तो कर रहे हैं, अभी तो शुरुआत है, तो बहुत कुछ होने बाकी है, अभी देखते हैं और क्या अच्छा मिल सकता है। आज तो बर्थडे था, बर्थडे हम लोग हंसने के बाद कहाँ आ गए टॉपिंग टाउन। क्यों चिंकी? जैसे मैं बता दूँ, मैं भी चिंकी और ये भी चिंकी और ये पिंकी। चिंकी चिंकी बड़ी चिंकी, बड़ी चिंकी छोटी चिंकी। ताशी ने कंप्लीट किया है? हाँ, इसको ताशी ने कंप्लीट किया। और जो बच्चा है वो मामी लेके जाएंगी क्या? इसको हम ऐसे लेके जाने का सोच रहे हैं। ताशी ताशी ऐसे ले चले रहे इसको घर। ओ मामा, ये तो शॉपिंग हो गई है, भाई की शॉपिंग बाकी है, जो हम एक दो दिन के बाद करेंगे। ये व्लॉग जो है सगाई के बाद जाएगा, तो आप लोग वैसे भी सब देख चुके होंगे, लेकिन मैं ये व्लॉग बनाना चाह रही थी कि कैसे हम शॉपिंग के लिए गए थे, क्या हुआ, सो पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी हुई है मेरे भाई की सगाई, अब मुझे करनी है शादी की शॉपिंग। उसके लिए मुझे कुछ डेली वेयर चाहिए हैं, कुछ ऐसा चाहिए है जो देखने में भी अच्छा हो। जैसा कि आप सबको पता है कि मुझे वीडियोस बनानी होती है, तो मुझे वीडियो के लिए दिखने में भी अच्छा हो, कंफर्टेबल भी हो, कुछ ऐसा चाहिए है। तो मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, क्योंकि मेरा जो ट्रस्ट है ऑनलाइन पर ज़्यादा है। तो अभी मुझे पता चला है धनी ऐप के बारे में कि वहाँ पर चल रहा है बचत वीक, तो मैं तो बचत में ही शॉपिंग करूँगी। तो हम धनी ऐप को देखते हैं कि क्या ऑफर चल रहा है वहाँ पर,
उसके बाद हम करेंगे शॉपिंग। सो धनी ऐप खोलने पर दिखता है कुछ इस तरह से। मैं आपको शॉपिंग में क्या करने वाली हूँ बताऊंगी कि क्या मैं परचेज करूंगी यहाँ से। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर है कुछ प्रोडक्ट पर 70% ऑफ, 9 रुपीज़ से कुछ कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर स्टार्ट हैं। जैसा कि ये इंडिया का ऐप है तो मुझे तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। सारी कैटेगरीज हैं यहाँ पर, आपको मेंस वेयर, वुमेंस वेयर, होम डेकोर, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, पर्सनल केयर, सब कुछ अवेलेबल है। सो मुझे तो करनी है अपने लिए कुर्ती ऑर्डर, तो हम जाएंगे वुमेंस वेयर पर। वुमेंस वेयर पर हम कुर्ती देखेंगे तो यहाँ पर किसी पर 64% ऑफ है, किसी पर 74% ऑफ है। वाकई बचत पी के चल रहा है। सो हम ये लेंगे कुर्ती, इसमें हम करेंगे अपने साइज को डन, इसको करेंगे ऐड टू कार्ट। ऐड टू कार्ट के बाद इसको व्यू कार्ट करेंगे। और हाँ, एक चीज़ आपको और बता दूँ, इतने डिस्काउंट के बाद भी अगर आप और फायदा उठाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं धनी ऐप की मेंबरशिप, जो कि आपको 500 में पर ईयर के हिसाब से मिल जाएगी। 2% का आपको कैशबैक भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको डिलीवरी फ्री मिलेगी। तो चलिए मेंबरशिप लेते हैं, उसके बाद में हम अपने ऑर्डर को प्लेस करते हैं। COD आपको मिल रहा है साथ ही साथ में, क्योंकि ट्रस्ट इशू बहुत होता है। तो सबसे मेन है ना कि मैं किसी भी वेबसाइट से अगर शॉपिंग करूंगी तो मुझे COD तो चाहिए ही चाहिए, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑफर हो सकता है। सो इतने सारे ऑफर्स आपको मिल रहे हैं, इतना सब कुछ आपको मिल रहा है धनी ऐप पर। सो मुझे लगता है कि जैसे मैंने ऑर्डर किया, आपको भी फटाफट से जाके अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और कर सकते हैं बहुत सारी शॉपिंग। सो हम लोग आ चुके हैं तिवारी जी के लड़के की शॉपिंग के लिए। बहू की तो हो चुकी है, लड़के की बाकी है, देखते हैं क्या पसंद करते हैं तिवारी जी के लड़के। यहाँ पे फैब्रिक था, स्टिच करवाना पड़ता, रेडीमेड में कुछ भी नहीं था ट्राई करने के लिए, तो फिर हमें कुछ समझ में नहीं आया यहाँ पर। क्या हुआ? मुंगोड़े बोलो, भूख लग रही, नहीं मिल रहा है। कपड़े लेने आए कि मुंगोड़े खाने आए आप? हम सब आपसे बात कर सकते हैं, हम सब आपके साथ हैं, आप बस ध्यान रखिए अपना, क्योंकि ऐसे हम नहीं देख सकते। मैं पता है बहुत टाइम से आपसे बात नहीं हो पा रही, मेरी सोच बात नहीं हो पा रही, बट आज मिल गए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप अपना बस ध्यान रखो। मैं मार्केट में जाती हूँ तो कोई ना कोई फैन ज़रूर मिलते हैं, और जब इन्होंने मुझे देखा ना तो इनके हस्बैंड किसी शॉप पर थे और ये अपने हस्बैंड को छोड़कर भागते हुए पीछे से आ रहे थे, और उनके हस्बैंड जो हैं मतलब भैया, वो फिर बाद में गाड़ी से आए। ऐसा भी होता है। अरे ये नहीं, इसका नाम है अंतुल। क्या? अंतुल। क्या नाम है? अंतुल। कैसे ओम को कैसे बोलते? ताशु क्लचर कहाँ है? ये क्या बाल की क्या हालत बनाई? ताशु, इसका नाम क्या है? इनका सुभा दीदी। इनका नाम अंतुल। क्या है? क्या है अंतुल? क्या है अंतुल? अंतुल अंतुल कैसे बोलती है? काशी एक बार फिर से अंतुल अंतुल। भाभी की ड्रेस हमने पहले इसलिए ले ली थी ताकि हम फिर भाई के लिए उसके मैचिंग का कुछ ले सकें। तो हमने पहले सोचा कि कंट्रास्ट लेके देखते हैं, हो सकता है कि वो अच्छा लगे, लेकिन नहीं समझ आ रहा था। फिर हमें चाहिए था लाइट शेड में, या तो क्रीम हो या फिर पूरा गोल्डन हो जैसे कि भाभी की ड्रेस है। तो उस टाइप में भी हमें फैब्रिक पहले समझ में नहीं आया। एक क्रीम कलर का दिखा था जिसमें गोल्डन कलर के कुछ बूटे बने हुए थे, पर वो बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा था तो वो लुक अच्छा नहीं आ रहा था। फिर हमें लास्ट में वो फैब्रिक दिखा, जो देखते से मुझे लगा कि ये बिल्कुल मैच भी करेगा और भाई के ऊपर भी सूट करेगा, क्योंकि भाभी के ऊपर तो सब कुछ अच्छा लगता है। दिक्कत तो भाई की है कि उस पर भी अच्छा लगना चाहिए। फिर हमने उसको फाइनल किया। कलेक्शन काफ़ी अच्छा है यहाँ का, तो मुझे अच्छा लगा, पसंद आया। तो आगे जो आउटफिट होंगे बाकी फंक्शंस के, वो भी हम यहीं से आकर देखेंगे, क्योंकि फिनिशिंग भी अच्छी लगी हमें, लुक बहुत अच्छा आया। जैसे कि आपने देखा होगा सगाई में,
भाई का जो गेटअप था वो बहुत तिवारी जी की लड़की की ड्रेस फाइनल हो चुकी है, मेजरमेंट दे रहे हैं। कैसी लगी आपको? बने रहिए मेरे साथ, बहुत शानदार। साली साहिबा और क्या बाकी है आपका? जूते वो भी मैं ही दिलाऊंगी। निकल गया तो मैं लेना है। अमित अग्रवाल जी की शॉप पर हम आए हैं। रेडीमेड ना लेके हमने फैब्रिक लिया और मेजरमेंट दिया हुआ है। अब ये तैयार होके आएगा तो आप एंगेजमेंट में देखेंगे कि क्या लुक है तिवारी जी के लड़के का। शॉपिंग हो गई है, सबसे बड़ा काम खत्म, क्योंकि इनके आउटफिट ही सबसे मेन होते हैं। इनका लुक अच्छा होना चाहिए, बाकी काम तो होते रहेंगे, टाइम पर हो जाएंगे। सो ये सबसे बड़ा काम था जो हमने निपटा लिया है। अब धीरे धीरे करके हम बाकी तैयारी करेंगे। सो बने रहिएगा मेरे चैनल से, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए।